ट्रेलर को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स थैंक यू अभी तक की कैसे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं लोगों से आपके फ्रेंड फैमिली से देखिए ऑनेस्टली मैं बहुत नर्वस हूँ क्योंकि दो ढाई साल बाद एक फिल्म कर रहा हूँ वो भी आउटसाइड बैनर की तो ऑफ कोर्स अच्छा लग रहा है सब इतने सारे विशेस आ रहे हैं मैंने भी सोचा नहीं था और सब लोग बोल रहे हैं इस बार तूने एक्टिंग भी की है तो अच्छा भी लगता है मजाक भी उड़ता है बट इट्स नाइस कि यू नो आप मेहनत करो और यू नो उसको जनता सराहती है तो अच्छा लगता है फ्रेंड्स फैमिली दोस्त ट्विटर पे यू नो पहले ट्विटर पे सिर्फ गाली पड़ती थी तो अच्छा लग रहा है यू नो बिकॉज हम सब आर्टिस्ट हैं हम सब यू नो अब प्रेजिंग जो यू नो काम इसलिए करते हैं कि लोग उसको सराहें अच्छा लगे उनको हम लोगों को एंटरटेन कर पाए तो आई एम वेरी हम्बल्ड यार मतलब कि लोगों को पसंद आ रहा है और लोग बोल रहे हैं अच्छा है तुम गुजराती नहीं हो तुम फिर भी गुजराती मोनोलॉग में बात कर रहे हो तो बोला हाँ नितिन सर ने डंडा लेके इस बार एक्टिंग कराई है नहीं बस हनी पाजी का गाना है हनी पाजी एक सुपरस्टार हैं और दो ढाई साल बाद उनका एक कंपोज्ड गाना आ रहा है ये उन्होंने कंपोज किया है कंस्ट्रक्ट किया है और गाया है तो आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी फिल्म को वो ऑनर मिला कि उनका गाना मेरी फिल्म में रहे और 24 आवर्स में हम 48 आवर्स में नंबर वन इंडिया में है और नंबर टू वर्ल्ड में है आई थिंक नंबर वन हो ही गया था ऑलमोस्ट वर्ल्ड में भी सो इट्स अमेजिंग ये मतलब मैं इतना खुश हूँ मैंने कभी ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था